एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रियंका, कुंज को वर्क करने के लिए बिठाया हुआ है बिकॉज अभी उसके पैर का प्लास्टर निकला है और पूरा मूवमेंट अभी स्टार्ट हुआ नहीं है उसके लेग में। वो खड़ा नहीं हो पा रहा है अभी ठीक से। धीरे धीरे उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं, मूवमेंट के लिए मोटिवेट कर रहे हैं उसको। उसको हल्का हल्का मूवमेंट कराते हैं, रोटेट कराते हैं लेग को चलने के लिए, थोड़ा हेल्प करते हैं, साथ में चल के हाथ पकड़ के चला रहे हैं उसको। बट पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के तो कुछ नहीं हो सकता। अभी स्कूल तो जा नहीं सकता है, बट आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल उसके टीचर्स को लेकर। वो लोग टाइमली क्लास वर्क, होमवर्क प्रॉपर शेयर करते हैं जिससे कि उसका कुछ भी काम मिस नहीं हो। वो प्रॉपर टच में बना रहे अपनी पढ़ाई के, हर चीज़ उसको प्रॉपर मिलती रहे टाइम टू टाइम। क्लास टीचर ही नहीं, उसके सारे सब्जेक्ट टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू देम। तो टाइम से अपना सारा होमवर्क, क्लास वर्क सारा प्रॉपर लेबल करके शेयर करती हैं कि दिस इज क्लास वर्क, दिस इज होमवर्क, यहाँ से यहाँ तक ये करना है, ये करना है। पूरा प्रॉपर फोटोज़ के थ्रू, PDF के थ्रू वो शेयर कर रही हैं। वो एटलीस्ट पढ़ाई के टच में तो है। चोट लग गई है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। देखिए, चोट लगी है, दर्द में है, अभी परेशानी में है, वो चीज़ एक अलग है। बट पढ़ाई इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आज मेरे पास एक DIY है। ये मेरे पास दो सिटिंग चेयर हैं, इनको हम लोग मुड्डी कहते हैं। थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं, तो इनके जो ये वायर या रोप जो भी कह सकते हो जिनसे बंधी होती है ना, ये पुराने होने के बाद ना टूटने लगते हैं, झड़ने लग गए हैं। आज इनका मेकओवर डे है। ये मेरा प्लाजो है, काफ़ी पुराना है। इसकी लास्टिक ऑलमोस्ट दम तोड़ चुकी है। मैंने इसको डिस्कार्डेड कपड़ों में रख दिया था, फिर आज मेरी नज़र पड़ी इस पर तो मुझे लगा कि चलो इसको कहीं यूज़ करते हैं, लगाते हैं कहीं ठिकाने। मेरा आज का प्रोजेक्ट रहा, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।